नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी विलक्षण साधना देने जा रहा हूं जिससे कई प्रकार की सिद्धियां साधक को प्राप्त हो जाएगी। उस साधना में 6-7 बातें तो ऐसी है जो कॉमन है, सामान्य है, जिस साधना को करने से वो बातें आराम से पूर्ण हो जाएगी, आपका संसार भली प्रकार से चलेगा, कोई भी प्रकार की परेशानी है वो दूर हो जाएगी। कौन कौन सी परेशानी दूर हो जाएगी? आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको श्री नहीं मिल रही है, धन नहीं मिल रहा है, आना शुरू हो जाएगा। आपको कोई प्रकार का चर्म रोग है वो दूर हो जाएगा। आपके विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है दूर हो जाएगी। आपको सौंदर्य के कारण कोई परेशानी है तो आज जो साधना बताऊं उस साधना को करने से सौंदर्य की प्राप्ति होगी। आपका चेहरा, आपका हाव, आपका जो बॉडी है इस प्रकार से हो जाएगी, इतनी सुंदर हो जाएगी कि देखते ही बनेगा। आपका पैसा यदि कहीं डूब गया है तो निकल जाएगा। और आपको यदि वहम हो कि ये आदमी जो महानुभाव है इसको रुपया देना तो पड़ रहा है, उधार रिश्तेदार है या कोई भी है, दोस्त है, लेकिन इसका पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आपका दिया हुआ पैसा 100% वापस आएगा, कोई दो राय नहीं है, भगवान की कृपा से आपका काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह इस साधना की कि आपका कोई व्यापार हो, धंधा हो, अगर चलते चलते ठप हो गया हो, रुक गया हो, ब्रेक लग गया हो, अब ब्रेक किसी भी कारण से लगा हो, चाहे कोरोना की वजह से लगा हो, चाहे किसी और की वजह से लगा हो, चाहे किसी ने तंत्र क्रिया करके बांध दिया हो, चाहे कुछ भी हो, आपका व्यापार इस साधना को करते ही फर्स्ट क्लास चलना शुरू हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि जब इस साधना का जिक्र ही कर रहा हूं तो ये बातें तो आनी आनी, ये बातें तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो असर आराम से हो जाएगी। लेकिन महासाधना है ये, एक ऐसी साधना जिससे कई प्रकार की सिद्धियां साधक को बैठे बिठाए मिलना शुरू हो जाएगी। जिस शक्ति का आवाहन करेगा वो शक्ति तत्काल उसे दर्शन देगी। ऐसी गजब की अद्भुत साधना है, इसके लिए साधक तैयार हो जाओ। कौन सी साधना है दोस्तों? ये माता अशोक सुंदरी की साधना है। अशोक सुंदरी की साधना इतिहास के पन्नों में दफन साधना है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं, शिवपुराण तक में इसका जिक्र नहीं है, अशोक सुंदरी का शिवपुराण तक में जिक्र नहीं। लेकिन ऋषियों, महर्षियों, मनीषियों ने इस चीज की खोज करके फिर भी इसको लिखा, रखा, संभाल के रखा, और ऋषियों से होते हुए ये साधना भारतवर्ष में फैलना शुरू हुई। आज इस साधना के मैं ऐसे रहस्य उद्घाटन करूंगा भगवान की कृपा से, जिससे ये साधना इतनी अलौकिक है जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, अशोक सुंदरी कौन थी इसके बारे में बताना तो ज्यादा मैं बताऊंगा तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी बता देता हूं। मां पार्वती का एकाकीपन दूर करने के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए भगवान शंकर ने अशोक सुंदरी को कल्पवृक्ष से प्रकट किया था कि ले बेटी तेरी और खेल इसके साथ बातें कर, तेरा अकेलापन, इस पहाड़ पर बैठी है कहां, तेरा दूर हो जाए। तो उनका अकेलापन दूर करने के लिए मां अशोक सुंदरी को कल्पवृक्ष से भगवान ने पैदा किया। कल्पवृक्ष से पैदा किया, फिर उसको अपने शिवलिंग में स्थान दिया। शिवलिंग में स्थान कहां दिया? जहां से जल विसर्जित होता है। आप अपने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, अभिषेक करते हैं और फिर वो जहां से विसर्जित होता है, योनि से होकर के से विसर्जित होता है ना नीचे, तो जहां से वो विसर्जित होता है उस स्थान को अशोक सुंदरी स्थान कहते हैं। वहां अशोक सुंदरी माता विराजमान रहती है, वहां से इनकी साधना शुरू होती है। अशोक सुंदरी की साधना कभी भी अकेले नहीं होती, अशोक सुंदरी की साधना हमेशा भगवान शिव और पार्वती की साधना के साथ में होती है। आज मैं बताऊंगा कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो सुन लीजिए ताकि आपको दैनिक कार्यों में भी सफलता मिले और आगे में महासिद्धि कैसे प्राप्त होगी वो रहस्य भी आपके सामने खोलूंगा। दोस्तों, यदि आप देखो, पहली बात तो है कि किसी भी सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, श्रावण हो, श्रावण तो सबसे बढ़िया है, उसके अलावा किसी भी महीने में किसी भी सोमवार के दिन प्रातःकाल उठ करके, सूर्योदय से पूर्व उठ करके, स्नान वान करके, भगवान शिव के मंदिर जा करके, भगवान शिव की शिवलिंग की आराम से पूजा अर्चना करके, फिर उनसे आज्ञा मांगे कि हे भगवान, मैं माँ अशोक सुंदरी की साधना कर रहा हूं, तो समी का फूल है, समी का पत्र है,
कुमकुम है, चंदन है, चावल है, रोली है, मोली, दीपक, ये सब जो भी होता है पूजा में वो सारी सामग्री ले जा करके और विधि विधान से मां अशोक सुंदरी की पूजा करें। सामान्य ये पूजा ही करते गए तो भी आपका बंद कारोबार होगा वो चालू हो जाएगा। अब आपको यदि मां अशोक सुंदरी से श्री की प्राप्ति चाहिए, सफलता की प्राप्ति चाहिए, तो 41 दिन तक लगातार एक बेलपत्र उस स्थान पर जिस स्थान से पानी नीचे गिरता है, अशोक सुंदरी का स्थान बोलते, उस स्थान पर एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए, आपको श्री भी मिलना शुरू हो जाएगी। आपको सुंदरता बढ़ानी है तो शिवलिंग पर जल अभिषेक करके और अशोक सुंदरी पर जल अभिषेक करके या दूध अभिषेक करके, जल और दूध दोनों अभिषेक करके, और वो थोड़ा सा किसी बर्तन में वापस ले आइए, उस जल से स्नान करने से, अशोक सुंदरी माँ को याद करके उस जल से स्नान करने से आपकी सुंदरता भी बढ़ती है और आपको किसी प्रकार का कोई सफेद दाग हो और हो, वो कुष्ठ रोग हो, वो सब भी मिटते हैं। आपको यदि लगता है कि आपका पैसा कोई खा नहीं जाए तो अशोक सुंदरी माँ को याद करके एक लूंग खा करके फिर किसी को पैसा देंगे तो फटाफट आपका पैसा वापस दे देगा। और आपको लगता है कि आपका पैसा खा गया है कोई और अब दे नहीं रहा है और डूब सा गया है, अब तो वापस आना मुश्किल है, तो आप अशोक सुंदरी को याद करके, देखिए याद किस किस तरह करना है, शिवजी पार्वती को पहले याद करके फिर मां अशोक सुंदरी को याद करना है। तो मां अशोक सुंदरी को याद करके और एक लौंग प्रतिदिन आप उस शिवलिंग पर, उस स्थान पर जो मैंने बताया अभी अभी, उस स्थान पर रख करके मां अशोक सुंदरी को याद करके फिर उस स्थान से वो लौंग वापस ले आइए, वो लौंग आप खा लीजिए, आपका डूबा हुआ पैसा वापस आपके घर आकर के देकर जाएगा, ब्याज समेत देकर के जाएगा। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने बताई, ये बंद कारोबार किस तरह से होगा। यदि आप कुमकुम, चंदन, चावल, रोली, मोली से अशोक सुंदरी की उस स्थान की स्पेशल पूजा करते हैं तो आपको मन माफिक पत्नी या फिर मन माफिक पति मिलता है। ये संकल्प में पहले कहना पड़ता है कि मां अशोक सुंदरी, मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मुझे अति सुंदर या अति कमाऊ, जो भी जैसा भी आप कहना चाहती हैं, इस प्रकार का पति मुझे प्रदान करें, तो आपके कुछ ही दिनों में विवाह हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा और आपको जैसा पति की उम्मीद है वैसा पति आपको मिल जाए। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अब बात करते हैं मूल उस बात की जिससे आपको सिद्धियां प्राप्त होगी, जिससे आपको ऐसी शक्ति प्राप्त होगी, अभी मैं बताऊंगा कैसी शक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों ये एक गोपनीय साधना है, बहुत ही प्राचीन और गोपनीय साधना है। इस साधना को किस तरह से किया जाएगा, देखिए इस साधना में क्या जरूरी है। जंगली इमली जो होती है, जंगली इमली के बीज आपको चाहिए होते हैं। देखिए बीज जंगली इमली के चाहिए, जो शहरों में उगती है या गांव में उगती है वो इमली नहीं चाहिए, जंगली इमली के ही बीज चाहिए। जंगली इमली के बीज आप मंगवा करके रख लीजिए। आप अच्छी तरह से पहले संकल्प कर लीजिए, संकल्प करके कि मैं अलौकिक सिद्धियों के लिए, देवताओं के दर्शनों के लिए, देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए आपकी साधना कर रहा हूं मां अशोक सुंदरी। देखिए मां अशोक सुंदरी जो है ना, वो अशोक सुंदरी इसलिए विख्यात नहीं है, हम अशोक सुंदरी को इसलिए लोग नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, क्योंकि ये बाद में है ना मां बाला सुंदरी, मां बाला त्रिपुर सुंदरी, मां त्रिपुर सुंदरी, मां ललिता सुंदरी, इनके नाम से प्रसिद्ध हो गई थी, इसलिए हम अशोक सुंदरी के नाम से इनको बहुत कम जानते हैं। ऐसी तीन शक्तियां हैं, मां ज्योति, मां मनसा, मां अशोक सुंदरी, ऐसी इस प्रकार की तीन शक्तियां जो बहने मानी जाती है, उनमें से अशोक सुंदरी की जो साधना है, मां बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना है, ये इस प्रकार से यहां से एक शाखा निकलती है, उस शाखा से इस साधना को करने से आपको क्या प्राप्त होगा अभी थोड़ी देर में बताता हूं। देखिए अच्छी तरह से चावल, चंदन, कुमकुम, रोली, मोली, अच्छी तरह से भगवान शिव की पूजा करने के बाद में फिर अशोक सुंदरी की पूजा करो और उनसे आज्ञा लेकर के करो, मां पार्वती, भगवान शिव, उन दोनों से आज्ञा लेकर के उनकी पुत्र की पूजा करो। देखिए पुत्र की पूजा करनी, उनसे आज्ञा लेनी जरूरी है कि आपके बच्चे को ले जाऊं, जैसे वो आए दशरथ जी ना, दशरथ जी के पास आए विश्वामित्र जी, बोले कि मैं आपके बेटे को ले जाऊं ताड़का को मारने के लिए, सुबह को मारने के लिए, मारिच को मारने के लिए, तो आज्ञा तो लेनी पड़ती है, चाहे ऋषि मुनि हो चाहे कोई भी हो, पिता से तो आज्ञा लेनी पड़ेगी, तो पिता से आज्ञा ले लीजिए, उसके बाद में अशोक सुंदरी जी की साधना शुरू कीजिए। ये सब आपने चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद में अब आप आखिर में मां अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए एक इमली का बीज उस स्थान पर रख करके उस स्थान को बिल्वपत्र से ढक दीजिए। बिल्वपत्र से ढक करके रुद्राक्ष की माला से वहीं बैठ करके एक माला आपको जाप करना है। क्या जाप करना है? ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः,
ओम पार्वते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम पार्वते नमः। इसकी एक माला, पूरा मंत्र हो गया ओम पार्वते नमः से, पूरा मंत्र हो गया। तो इस पूरे मंत्र की एक माला वहां बैठ करके जाप करनी। जाप करने के बाद में वो जो इमली का बीज है, वो इमली का बीज उठा करके आप ले आइए। इमली का बीज उठा करके ले आई, उसे अपने घर ला करके रात्रि काल में 11 बजे से मीठे तेल का दीपक करके, बढ़िया सुगंध करके, ईशान दिशा की तरफ अपना मुख रख करके, सफेद आसन पर सफेद वस्त्र धारण करके विराजमान होकर के, भगवान शिव पार्वती या शिवलिंग की तस्वीर सामने रख करके, या शिवलिंग को सामने रख करके, मान लो शिवलिंग को सामने रख करके, उनकी पहले पूजा वूजा करके थोड़ी सी, और रात 11 बजे से आप 36 माला का जाप करेंगे। एक मूल मंत्र मां बाला त्रिपुर सुंदरी का जो मूल मंत्र है, एम क्लिम शौह, एम क्लिम शौह, इस मंत्र के 36 माला का रुद्राक्ष की माला से जाप करेंगे। एकदम नहाए धोए टनाटन खुशबूदार रहना जरूरी है, और कमरा भी एकदम साफ सुंदर स्वच्छ होना जरूरी है। जो चीज जहां रखी है वो चीज वहीं रहेगी, 42 दिन तक वो चीज वहां से हिलेगी तक नहीं। जो बीज आप रोज लाएंगे वो बीज वहां रख देंगे, दूसरे दिन बीज उठा करके, वो एक बीज उठा करके दूसरे डब्बे में रख लेना और वो बीज वहां रख लेना, और उस बीज पर साधना करना, और कोई चीज हिलाएंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं। चौकी जिस तरह से बिठा लिए 42 दिन तक वही रहेगी, कोई कचरा साफ नहीं करेगा वहां से, कोई झाड़ू नहीं लगाएगा, चौकी हटाएगा नहीं। झाड़ू झूड़ू कुछ भी लगाना है तो आप साइड से लगा सकते हो, उस चौकी के आसपास कुछ नहीं होगा। कोई प्रसाद करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी कर, प्रसाद वरसाद जो भी आपको चढ़ाना है, भेंट पूजा पेड़े मेवे फूल फल समी के फूल जो भी कुछ चढ़ाना है, समी पत्र जो भी चढ़ाना है, वो सब आप पहले मंदिर में चढ़ा ले। आप अपने घर पे इन सब चीजों की जरूरत नहीं, घर पे सिर्फ धूप और मीठे तेल का दीपक, ये करके सीधा साधना कर ले। साधना गणेश जी के मंत्र से शुरू होगी, गुरु मंत्र से शुरू होगी, गुरु का पूजन, गणेश जी का पूजन, उसके बाद में आप इस मंत्र का जाप करेंगे। 36 माला का 36 माला रोज जाप करेंगे, और इस तरह से जाप आप 42 दिन तक करेंगे, और सब काम भगवान से आज्ञा लेकर के करेंगे, आज्ञा लेकर के करेंगे। 42 दिन में 42 बीज आपके पास इकट्ठा होगा। अब 42 बीज आपके पास इकट्ठा हो गए, ध्यान रखना बात को, अब 42 बीज आपके पास इकट्ठा हो गए, तो उन बीजों को मिक्सी ग्राइंडर किसमें एकदम महीन बारीक पीस लीजिए, चाहे खरल में पीसना पड़े, चाहे किसी में पीसना पड़े, एकदम बारीक पीस लीजिए, एकदम बारीक पीस करके। और अब आप प्रातः काल में स्नान नाम करके रात 2 बजे से 5 बजे के बीच बीच में आप उसको चंदन के साथ, जो पास आता है ना वो जो चंदन रगड़ने का ऐसा पत्थर, उस चंदन रगड़ने के पत्थर में चंदन के साथ उसको उनको रख करके, और वो चंदन वाला पासा होता है, चंदन वाले पासे से इसे रगड़ेंगे थोड़ा सा, नाम मात्र का पाउडर लेना, रगड़ते जाइए, रगड़ करके उस इमली के बीजों का जो चंदन सहित जो बनता है पेस्ट, उस पेस्ट को अपने आज्ञा चक्र पर लगा लीजिए। आज्ञा चक्र पर लगा करके अब पद्मासन में विराजमान होकर के ब्रह्मांजलि मुद्रा, एक हाथ दूसरा हाथ ऐसे, ये ब्रह्मांजलि मुद्रा नाभि के ठीक नीचे लगा करके, और अब आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, और अपने सांसों पर ध्यान करते हुए एम क्लिम सोम इस मंत्र का आप मन ही मन स्मरण करिए। जैसे ही आप इस मंत्र का स्मरण करना शुरू करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट के भीतर भीतर तुरंत आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपका सर फटने जा रहा है, दर्द हो रहा है भयंकर, और जैसे ही आपको ऐसा महसूस होगा कि सर में दर्द हो रहा है और कुछ भारी सा पड़ रहा है एकदम सर पे, आपका आज्ञा चक्र जो है एकदम से फटाक से धीरे धीरे परत बाई परत धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। जब वो खुलना शुरू होगा, एक बात को अच्छी तरह से नोट कर लेना, गाली मत देना, एक बात को अच्छी तरह से नोट कर लेना, जिस समय ये खुलना शुरू होगा उस समय सर में हल्का हल्का दर्द रहना जरूर, अपने आप दर्द होगा ही होगा, सर में दर्द होगा, उसको सहन करने की शक्ति पैदा करना। दवाइयों से कुछ नहीं होगा, कोई भी ट्रीटमेंट लो उल्टा नुकसान कर सकता है ट्रीटमेंट, उसको सहन करने की शक्ति रखना। जितनी देर आप बैठ करके जाप कर सको, जितनी देर तक आप ध्यान मुद्रा में तुरीय अवस्था में ध्यान मुद्रा में जाप कर सकते हो उतना जाप करना, कोई माला नहीं। आप 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, सर दर्द करने लगे, ज्यादा दर्द करने लगे, अब उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
ऐसा दो दिन, पांच दिन, दस दिन जैसे जैसे आप करते गए वैसे वैसे दर्द बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ऐसा होगा कि दर्द बढ़ते बढ़ते कम होना शुरू हो जाएगा और कम होना शुरू हो जाएगा। और आपका उसके साथ ये भी आभास होगा कि जैसे जैसे दर्द खुलेगा वैसे वैसे परतें खुलेगी ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड की परतें का क्या मतलब है कि आप जहां बैठे हो एक बंद कमरे में बैठे हो, आपके चारों ओर एक दीवार, आप कुछ नजर नहीं आता आपको, लेकिन जैसे ही यह आपका संभवी सिद्ध होना शुरू होगी, तीनों नाड़ियों का मिलन होगा, प्रयागराज बनेगा, वहां से आपकी सुषुम्ना जागृत होकर के आपकी योगिक क्रियाएं शुरू होगी अपने आप ही। जैसे शुरू होगी वैसे आपको पूरी धरती पर एकदम तरलता नजर आएगी, एक वाइब्रेशन पूरी धरती पर नजर आएगा और ऐसा लगेगा कि वो वाइब्रेशन एक नहीं हजारों लाखों लोगों तक फैल रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा कि लाखों करोड़ों लोग आपके आज्ञा चक्र में, लाखों करोड़ों अरबों जीव आपके आज्ञा चक्र में, सबके साथ आप ज्वाइंट हो रहे हैं, सबके साथ आप जुड़ रहे हैं। पृथ्वी पर कोई नहीं है जिसके साथ आप जुड़े नहीं हो, सब जीवों के साथ आप जुड़ रहे हैं। आपकी संभवी यहां से सिद्ध होना शुरू होगी। जैसे जैसे आप जाप करते रहोगे, अधिक से अधिक जाप करते रहोगे, तो शक्ति आपके भीतर स्वयं पैदा होना शुरू होगी। और यह जो शक्ति पैदा होगी, इस शक्ति के पैदा होने से, संभवी सिद्ध होने से, आपकी वाणी से जो शब्द निकल गया तत्काल प्रकृति पूरा कर देगी, जो बोलोगे तत्काल प्रकृति पूरा कर देगी। लेकिन अब यह नहीं है, मैं कई बार वचन सिद्धि के जो वीडियो बताते हूं उसमें उनमें यह बात बता चुका हूं कि अभी मैं कह रहा हूं कि जो आप बोलोगे वो सही होगा, तो अब बहुत लोगों के मन में उल्टे तर्क भी आएंगे कि तू ऐसा बोल, तू ऐसा बोल, तू ऐसा प्रधानमंत्री बन जा, ऐसा बन जा। बात को समझना, जब आपको संभवी सिद्ध होगी तब आप ऋषियों मुनियों के समान हो जाओगे, महर्षियों ऐसे, तब महान तपस्वी हो जाओगे एकदम अपने आप ही। और महान तपस्वी ज्यादा बातचीत नहीं करते, महान तपस्वी किसी से भी ज्यादा घुलते मिलते नहीं, महान तपस्वी बिना मतलब का एक अक्षर नहीं निकालते, एक शब्द नहीं निकालते। तो आप बोलोगे क्या, आप तो स्वयं स्वयंभू परमात्मा शिव के आसपास पहुंच गए। आपको पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नजर नहीं आ सकती। और उस समय आप किसी भी देवी देवता, किसी भी इतर योनि की शक्ति, भूत प्रेत पिशाच चांडाल, कोई भी शक्ति हो, आवाहन मात्र से आपके आज्ञा चक्र में आ जाएगी तुरंत तत्काल, आवाहन मात्र से आपके आज्ञा चक्र में आ जाएगी। ऐसी अद्भुत मां बाला सुंदरी की साधना, ऐसी अद्भुत मां अशोक सुंदरी की साधना। दोस्तों इस साधना को करने के बाद में आदमी एकाकी हो जाता है, शांत प्रकृति का हो जाता है और उसके अंदर एक आनंद की लहर अपने आप पैदा हो जाती है। संभोग करते वक्त जिस प्रकार से व्यक्ति को एक आनंद आता है, क्षणिक शुद्ध छोटा सा आनंद है, और छोटे से आनंद के पीछे दुनिया अंधी होकर के गिर रही है ना, वो हजार लाख गुना बढ़ करके वो आनंद का अतिरेक उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा और सोई हुई सुप्त शक्तियां उसके अंदर अपने आप जागृत होना शुरू हो जाएगी। उसका मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक सारे चक्र अपने आप खुल जाना शुरू होंगे और कुंडलिनी शक्ति अपने आप काम करना शुरू कर देगी। ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये मजाक की बातें नहीं है। जिस समय प्रैक्टिकल करोगे उस समय पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी शक्ति को सिद्ध कर लिया है। ब्रह्मांड की कुछ गिनी चुनी शक्तियां जो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है उनमें से बाला सुंदरी त्रिपुर सुंदरी एक शक्ति है। उस एक शक्ति को सिद्ध कर लिया, वो शक्ति अपने आप सिद्ध होती है और आप अंतोतगत्वा आखिर में परम पिता परमात्मा के पद पर जाकर के उनमें विलीन हो जाते हैं। संसार में भोग और परमात्मा में आध्यात्म दोनों प्राप्त होता है, भोग और आध्यात्म दोनों जीवन में आपको प्राप्त होता है। ऐसी अद्भुत ऐसी विलक्षण साधना है मां अशोक सुंदरी की साधना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन हो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।